घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट में। उसको समझता क्या? जीशु हुए मूवी से बाहर, कहां हो रही है मूवी की शूटिंग? मेकर्स ने क्यों कहा कि जीशु कभी भी मूवी का हिस्सा नहीं थे? पुष्पा राइस के निर्माता ने अल्लू अर्जुन स्टारर इस मूवी में मुख्य खलनायक की भूमिका निभाने के लिए जीशु यू सेन गुप्ता के पास पहुंचे थे, लेकिन वो तारीख के मुद्दों के कारण मूवी नहीं कर सके। अब इस हफ्ते की शुरुआत में अफवाहें फैलने लगी कि तेज तरार अभिनेता पुष्पा टू में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स ने जीशु के फैंस को भी काफी एक्साइटेड कर दिया था। खैर, अब हम आपके लिए एक एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए हैं और ये निश्चित रूप से उन लोगों को निराश करेगा जो पुष्पा 2 में लोकप्रिय अभिनेता को देखने के इच्छुक थे। वो बहुप्रतीक्षित सीक्वल का हिस्सा नहीं है, इस बात की पुष्टि जीशु के करीबी सूत्र ने किया। वे सभी रिपोर्टों में जिनमें दावा किया गया है कि जीशु यू सेन गुप्ता पुष्पा के सीक्वल में खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं निराधार है। उन्होंने कहा कि वो पुष्टि कर सकते हैं कि पुष्पा द रूल का हिस्सा वो नहीं है। हालांकि प्रोडक्शन टीम, निर्देशक या अभिनेता की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई थी कि जीशु पहले भी पुष्पा 2 में खलनायक भूमिका का हिस्सा है। अटकलें लगाई जा रही थी कि ये किरदार पहले विजय सेतुपति को दिया गया था, लेकिन लोकप्रिय दक्षिण अभिनेता को अपनी पिछले प्रोजेक्ट्स के कारण ना कहना पड़ा। तब चर्चा तेज थी कि निर्माताओं ने खलनायक की भूमिका के लिए जीशु से संपर्क किया है, लेकिन अब हम जानते हैं कि ये सिर्फ अफवाहें हैं और बंगाली अभिनेता पुष्पा द रूल में कोई भूमिका नहीं निभा रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जीशु भले ही पुष्पा 2 का हिस्सा ना हो, लेकिन वो समांथा रुद्र प्रभु और देव मोहन की पीरियड ड्रामा शकुंतलम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं जो 4 नवम्बर को रिलीज होने वाली है। इस बीच पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फाजल अपनी भूमिकाओं को दोहराते हुए दिखाई देंगी। पहले ऐसी खबरें थी कि मूवी के एक बड़े हिस्से की शूटिंग पश्चिम बंगाल में बांकुरा में की जाएगी। हालांकि निर्माताओं ने कथित तौर पर बाद में शूटिंग का स्थान बदल दिया और शूटिंग स्केड्यूल के बारे में कोई खबर नहीं आई। पुष्पा द राइज पहली मूवी को 2021 में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी और ऐसा क्रेज था कि तेलुगु मूवी को बाद में हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में भी डब किया गया। एक्शन एंटरटेनर पिछले साल सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर में से एक बन गई और बड़ी सफलता ने अल्लू अर्जुन को रातों रात एक स्टार बना दिया था। तो आप इस अपडेट से कितने खुश हैं और कितने नाराज हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें एंड सेफ रहें। बाय बाय।